तंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितं मया देव एक बधाई जो बहुत प्रचलित है अपने अवध भाषा में पांडे समाज सेवी रायबली। आज यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो हम सबके इष्ट देव हैं उनकी अयोध्या में भगवान श्री राम की मंदिर का निर्माण को लेकर के आज जो वहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ है उसकी उपलक्ष में रंधावा कॉम्प्लेक्स में हम सबके बड़े भाई आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, अपर्णी शुक्ला जी, आंसू और ये समस्त जो रंधावा कॉम्प्लेक्स के सभी प्रतिष्ठान के व्यापारीगण हैं सब लोगों ने हम लोगों ने मिल करके आज भगवान श्री रामचंद्र का अखंड जाप और सुंदरकांड का यहाँ पाठ आयोजित किया था कि ईश्वर प्रभु राम श्री रामचंद्र जी आज अयोध्या में पुनः उनका एक जन्म मान लीजिए फिर से एक जन्म हुआ है। आज मंदिर का निर्माण का कार्य अयोध्या में शुरू होने जा रहा और इस उपलक्ष्य में समस्त देशवासी इस देश के समस्त नागरिक जो 1,37,37 करोड़ लोग हैं सभी धर्म के लोगों ने ये हर्ष व्यक्त किया है कि हम सब लोग मिलकर के एक नव निर्माण की तरफ बढ़ें और भारत देश सुख समृद्धि और शांति और ये कोरोना जो बीमारी फैली हुई है इसको भगवान श्री राम समाप्त करें इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया। अपना पटेल जी आज के लिए यहाँ पर सुंदर कांड का पाठ था। मैं सी.एस. शशि त्रिपाठी, रंधावा कॉम्प्लेक्स में हमारा ऑफिस है।
ये भगवान रामचंद्र का जो भूमि शिलान्यास हो रहा है अयोध्या में, क्योंकि भगवान राम हम लोग के आराध्य के आराध्य हैं, इसलिए हम सभी मार्केट वासियों ने तय किया कि आज हम लोग एक सुंदरकांड और सीताराम का जाप रखें, जिससे सभी लोग लाभान्वित हों और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और सभी लोग को सभी कष्टों से मुक्ति मिले राम नाम से। इस व्यक्ति के पैदा होने से लेकर मरने तक केवल राम नाम ही जपा जाता है, इसलिए इस अवसर पर हम लोगों ने इस राम नाम जाप का और सुंदरकांड का ही कौन कौन लोग थे इसमें शामिल। इस कार्यक्रम में रंधावा कॉम्प्लेक्स के सभी व्यापारी, सुपर मार्केट के व्यापारी, अमिताभ पांडे समाज सेवी और काफ़ी संख्या लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क पहनकर सभी औपचारिकताएँ पूरी करते हुए हम लोगों ने इसमें सहभागिता की।